नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अगर आपकी मशीन मोटे कपड़े पे नहीं चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी मशीन जो है मोटे कपड़े पे चलने लगेगी। तो इसमें मैं कुछ तरीके बताऊंगा, वो आपको करना है, आपकी मशीन जो है वो मोटे कपड़े पे चलने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें को क्या करना है, देखिए अगर आप पतले कपड़े पे चला रहे हैं तो अगर मोटे कपड़े पे एकदम चलाने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई मशीन आपकी गड़बड़ करेगी, क्योंकि वो जो है वो पतले कपड़े पे ही सेट होती है। मशीन चलाते चलाते भी खुद ही एक बार सेट हो जाती है कि जिस चीज़ पे उसे चलना होता है उसी हिसाब से वो चलती रहती है, और एकदम जो है उसे मोटे कपड़े पर चलाएँगे तो जो है वो गड़बड़ करने लगेगी। तो सबसे पहले आपको जो है ये जो सुई है इसको जो है बदलना होगा। सुई जो है अगर आप जो है 14 नंबर चला रहे हैं तो आपको जो है 18 नंबर की सुई बांधना होगी अगर मोटे कपड़े पे आप चला रहे हैं। और जो है अगर आप 18 नंबर सुई बांध रहे हैं उसके बाद आप जो है ये पटरी, अगर आपकी पटरी का ये सुराग जो है वो छोटा सा है, क्योंकि छोटा होगा तो उससे क्या है आपकी मशीन जो है सुई तोड़ देगी, तो आपको जो है ये बड़ा रखना है थोड़ा सा। इस मशीन का तो बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन आपको जो है बड़ा रखना होगा थोड़ा सा। और इसको कैसे बड़ा करते हैं तो इसके ऊपर वीडियो अगर आप बताएंगे कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा। दूसरी चीज़ तो ये है, इसमें क्या है आपकी मशीन कभी भी सुई नहीं तोड़ेगी, मोटे कितने भी मोटे कपड़े पर चला दो पटरी में लड़के तो नहीं तोड़ेगी, इसलिए जो है कम से कम जो है ज़्यादा फिर मशीन सुइयाँ नहीं तोड़ती है, चाहे जितने भी मोटे पर चला दो। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये जो सुई है ये आपकी शटल से बिल्कुल चपक के चलना चाहिए, अगर चपक के नहीं चलेगी यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये चपकेगी नहीं ये चीज़, तो उससे क्या है आपकी जो है मशीन जो है वो चूँके ज़रूर दे जाएगी मोटे कपड़े पर। तो आपको जो है बिल्कुल चपक के रहना चाहिए। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये आपकी देखेंगे तो दूरी उधर के लिए हटी हुई होगी, थोड़ी सी बीच में गैप होगा, तो गैप होता है तो पतले कपड़े पे तो चलती रहती है लेकिन मोटे कपड़े पे चूँके दे जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको मशीन ये जो गज है मशीन की, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गज है इसको बिल्कुल ऊपर करके, बिल्कुल ऊपर करने के बाद आपको जो है यह इस तरीके से हथौड़ी ले कर और इस पर यहाँ पर देखिए इधर साइड में मारेंगे तो जो है तो ये हिस्सा थोड़ा सा इधर होगा तो आपकी और चूँके देने लगेगी, तो आपको इधर साइड से मारना है, लेकिन गज बिल्कुल ऊपर रखें। अगर गज आपने नीचे करके इस पर हथौड़ी मारेंगे तो गज टेढ़ी हो जाएगी, इससे क्या होगा कि आपकी गज टेढ़ी हो जाएगी और मशीन जाम हो जाएगी, फिर ये नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, इसको बिल्कुल ऊपर कर दें, ऊपर ही रखें इस तरीके से, ऊपर रखने के बाद और यहाँ पर इसको कस के मारना है, और कस के मारेंगे फिर आप देखेंगे जो है इसमें जो है सुई बिल्कुल लड़के चलेगी हल्की सी भिड़ के, तो इससे जो है आपके चूँके देना बंद हो जाएगी, मशीन की धागा जो है बार बार छोड़ेगी नहीं, तो छोड़ेगी नहीं तो फिर आपकी बिल्कुल सही चलने लगेगी। और मान लीजिए अगर आपकी ज़्यादा लड़ने लगी इधर से सुई, मान लिया आपने हथौड़ी मार दी और ज़्यादा लड़ने लगी इसमें शटल में सुई, शटल की नोक में, तो आप क्या करें गज ऊपर करके हल्के से इधर साइड से हल्के सी मार दें कस के थोड़ा सा, तो ये जो है ये इधर साइड में हल्की सी हो जाएगी इस तरीके से, ऐसा करके मार दें कस के थोड़ा सा, तो जो है ये हल्की सी इधर साइड में हो जाएगी, तो लड़े ना ज़्यादा ना लड़े, हल्की सी छू के निकलना चाहिए सुई, तो उससे क्या है बिल्कुल आपकी सही चलेगी मशीन। तो इसी हिसाब से मोटे पे अगर टाप दे रही है तो इसको सेट करते हैं, तो बाकी आपका शटल तो सही बंधा होता है, बस इसकी दूरी जो है वो बीच में ज़्यादा होती है, इस वजह से मोटे पे चूँके दे जाती है, और आप 18 नंबर सुई लगाएंगे तो सुई आपकी मशीन नहीं तोड़ेगी। अब धागा अगर आपकी काट रही है तो स्टापर आप घिस के बांध लें, स्टापर में धार हो जाती है इस वजह से, इसके ऊपर वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, वीडियो के आखिर में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो अब इसको जो है हम बांध देते हैं और अपनी मशीन चला के दिखाते हैं कि हमारी मशीन कितने मोटे पे चल जाती है। अब ये देखिए ये मैं चलाता हूँ इस पर, अब ये दो पल्ले हैं ठीक है, तो इनको हम इस तरीके से मोड़ देते हैं तो चार हो गए। अब मैं चलाता हूँ इस पर,
तो ये हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इसको देखिए डबल कर दिया हमने इधर साइड में। अब ये कितने हो गए, आठ हो गए। अब ये पैंट का कपड़ा है, खाली अंदर जो है वो सफ़ेद वाला शर्ट का लगा है और ये पैंट का कपड़ा है, तो आठ पल्ले हो गए। तो ये आठ हो गए, ठीक है। अब हम इसको भी डबल कर देते हैं, आप देख सकते हैं कितना मोटा हो गया यहाँ पे, देखिए, ठीक है। अब हम इस पर चलाते हैं, ये देखिए इसमें भी निकल गई। अब इससे ज़्यादा मोटा नहीं हो सकता, आप खुद देख सकते हैं बूट कितना ऊपर उठा हुआ है। ये देखिए पेंचकस पूरा भी चला जाता है इसके अंदर, इतने मोटे पे है, इससे ज़्यादा मोटा होता ही नहीं है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक भी चूंका नहीं दिया मशीन ने। इसी तरीके से आप अपनी भी मशीन सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है शटल जो है वो बिल्कुल जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से आपको करना होगा। और अगर आपकी मोटे पे मशीन नहीं बढ़ रही है तो आप हल्के से दांते उठा लें, उसका भी वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।